नमस्कार दोस्तों, बी डाउन ऑफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान सर की आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वैसे तो शाहरुख खान सर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं, जिनमें से एक फिल्म है, वो फिल्म का नाम है पठान, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पिछले साल वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दिया था। दोस्तों पठान फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें शाहरुख खान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों लीड रोल में हमें जॉन अब्राहम भी एक्शन करते नजर आएंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी। इसके अलावा शाहरुख खान जो दूसरी फिल्म करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है संगी, और उस फिल्म के अंदर भी हमें शाहरुख खान के ऑपोजिट पहली बार जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस 2। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान सर की करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म 2013 में आई थी ईद के मौके पर, और उस फिल्म को डायरेक्शन दिया था जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने। रोहित शेट्टी इससे पहले जबरदस्त गोलमाल सीरीज, सिंघम सीरीज, सूर्यवंशी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गौरी खान और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, और ये एक रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी दोस्तों। और इस फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण देखने को मिले थे। वहीं दोस्तों बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, डायलॉग और एक्शन देखने को मिला था। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म को 70 करोड़ के बजट में बनाया था, और उस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 221 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था, और शाहरुख खान सर के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की नंबर वन की पोजीशन पर आज भी कामयाब है। इसके बाद मेकर्स चेन्नई एक्सप्रेस 2 फिल्म बनाने जा रहे हैं, और ये भी एक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी, कॉमेडी एक्शन फिल्म रहेगी, और इस फिल्म को भी डायरेक्शन देने वाले रोहित शेट्टी। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग, जब भी शाहरुख खान सर पठान फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद संकी फिल्म की शूटिंग करेंगे, और उसके बाद डॉन 3 फिल्म की शूटिंग के बाद चेन्नई एक्सप्रेस 2 फिल्म आएगी। और दोस्तों बजट की बात करें तो इस फिल्म को 75 से 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया जाएगा। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर भी हमें शाहरुख खान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण रोमांस करती नजर आएगी। शाहरुख खान सर की लास्ट फिल्म थी जीरो, जो कि 2 साल पहले आई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा खासा कमाल नहीं कर पाई थी। उसके बाद शाहरुख खान के फैंस उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, और शाहरुख खान ने अपने फैंस को नाराज़ नहीं किया, बैक टू बैक 2-3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर दी, जिनमें से पठान फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, उसके बाद संकी फिल्म करने वाले हैं, और उसके बाद डॉन 3 फिल्म करने वाले हैं। ये फिल्म भी आने वाली है दोस्तों, लेकिन अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। तो दोस्तों आप शाहरुख खान की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।